ग्वालियर में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छुट्टी के एवज में पैसे मांगने वाले नगर निगम दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगम कर्मचारी से दरोगा ने 4 छुट्टी के बदले में 2,000 रुपयों की मांग की थी, जिससे लेकर ये कार्रवाई की गई है। देखे रिपोर्ट। ग्वालियर महिला सफाई कर्मी से छुट्टी के एवज में पैसे की मांग करना नगर निगम के सफाई दरोगा को भारी पड़ गया। लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के सफाई दरोगा अनुप पारछे को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए GDA ऑफिस के सामने से मंगलवार को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के विभिन्न धाराओं में अपराध मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। दिनांक 24/5/24 को हमारे कार्यालय में काजल वाल्मीकि आई थी और उसने कहा था कि अनूप पारछे सफाई दरोगा मतलब WHO वार्ड नंबर 32 ज़ोन 6 का उससे छुट्टी देने के एवज में 2,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिस पे हमने उनको रिकॉर्डर दिया था और उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कराई थी 25/5/24 को और कल दिनांक 27/5/24 को आवाज़ में उनके द्वारा पैसे मांगने की बात आने पर FIR दर्ज की थी अपराध क्रमांक 0/24 धारा 7 PC Act की और आज हमने ट्रैप की कार्रवाई संपन्न की, जिसमें सुबह 5:30 बजे हमने उस सफाई दरोगा को GDA ऑफिस के सामने 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया, पकड़ा। ये हमसे एक दिन के 500 रुपये मांगते थे, हमको जो जायज छुट्टी मिलती है 4 महीने में, तो एक छुट्टी के 500 रुपये मांगते थे हमसे, 4 छुट्टी के 2,000 रुपये मांगते थे, तो हमको परेशान कर रहे थे। हमने लोकायुक्त में मैडम से मिलकर मैंने शिकायत की उनसे, तो मैम ने रिकॉर्डर दिया मुझे कि आप इसके पैसों की बात रिकॉर्ड कर लेना और फिर मेरे पास आना। तो मैम ने मुझे सैटरडे को रिकॉर्डर दिया, मैंने सैटरडे को रिकॉर्डिंग की इनकी और मैडम को मैंने वापस दे दिया। उसके बाद इन लोगों ने सुबह आज पकड़ लिया उसको रंगे हाथों पैसे देते हुए। पूरे 1 साल हो गई यहाँ पर और भी बाहर भाइयाँ बैठी हुई हैं, स्टाफ बैठा हुआ है, वो लोग भी सब परेशान हैं। आप चाहो उनसे पूछ सकते हो, सबसे पैसे मांगना, अगर पैसे नहीं देते तो नागा लगाना, धमकी देना कि नौकरी से हटा दूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो छुट्टी के नाम पर पैसे ऐंठने वाले नगर निगम दरोगा को लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।